بسم الله الرحمن الرحيم. आजकल मुझे रातों को नींद नहीं आती, तकलीफ होती है इस बात की कि इस जजीरा नुमाए अरब से अल्लाह के रसूल ने अपने नफ्स, अपनी जान, अपने कुव्वत बाजू, अमीरुल मोमिनीन की मदद से शिर्क को पाक, शिर्क से इस पूरे जजीरे को पाक किया था, बुतों को तोड़ा था, और आज वहाँ बुतकदे बनाए जा रहे हैं। आज वहाँ के हुक्मरान बुतकदे बना रहे हैं, सऊदी अरब में भी और दुबई में भी और कहाँ कहाँ, कम से कम स्टेचू ऑफ लिबर्टी जद्दे में भी नस्ब हो गया है। जद्दे से मक्का का कितना फासला है, और हमारे यहाँ बुत परस्ती, और इसके लिए फतवे दे दिए मदीने और मक्के के उलमा ने, स्टेचूज दोबारा नस्ब करने के फतवे दे दिए, ये जायज है, और रोज़े मीलाद मुस्तफ़ा, जिक्र मुस्तफ़ा नाजायज है। और फरमाने ये रीडिंग की जरूरत है या नहीं है, क्रिटिकल रीडिंग की जरूरत है या नहीं। और फरमाने किसका तज़किरा, किसका तज़किरा, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया उसी का तज़किरा बिदअत है। और फरमाने बहुत बड़े मसाइल हैं, छोटे मसाइल नहीं हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत रसूल, यानी अब ठहर जाइए, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा तो बुरा लगने दीजिए, मगर सुनिए सब्र से, किसके इस्तकबाल में मंदिर बन रहा है। हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आएगा तो उसके इस्तकबाल में मंदिर बन रहा है। गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती। भाई आपके सियासी ताल्लुकात अपनी जगह हो सकते हैं, इक्तिसादी ताल्लुकात अपनी जगह हो सकते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस अपनी जगह हो सकते हैं, इकोनॉमिकल रिलेशंस अपनी जगह हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपनी जगह हो सकते हैं, सब अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन क्या ये शर्त है, कहीं माकूल शर्त है, इसकी गुंजाइश है कि फलां साहब के इस्तकबाल में बुतकदा बनाया जाए और फिर आप मुसलमान कहलाएं, और जिक्र मुबारक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिदअत कहें। मेरा मिजाज जरा बदल जाता है ये सब तसव्वुरात के साथ, वो मिजाज में फिर खुशगवार कैफियत नहीं रह जाती। ये आज का मुसलमान, ये आज के मुसलमानों के हुक्मरान, और ये वो हैं, और इनके दरबारों में पलने वाले मुफ्तियान किराम और मुहद्दिसीन एजाम वो हैं जिनका मुंह नहीं सूखता यजीद का को डिफेंड करने से, चूंकि वहीं से चला है सिलसिला, वहीं से चला। ये यजीद था जिसने ऐलान किया था, जो बात यजीद के दादा ने दिल में छुपा ली थी वो पोते ने ऐलान कर दी कि लाइबत हाशिमु बिल मुल्क फला मलकुन जा अवला वहयु नजल। ये तो बनी हाशिम ने खेल खेला था, ढोंग रचा था, ये तो अपनी हुकूमत कायम करने के लिए ये सब किया था, वरना ना कोई फरिश्ता नाजिल हुआ था ना कोई वही नाजिल हुई थी। तारीख है ये, ये तारीख है। तो जहनों को पढ़ने की जरूरत है और दिलों को मुस्तफा से जोड़ने की जरूरत है। एक सलावात पढ़ लीजिए मोहम्मद।